हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो मोटो वन फ्यूजन प्लस मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूं और इसके बैटरी से रिलेटेड काफ़ी सारे लोगों को डाउट्स हैं कि एग्जैक्टली इसका चार्जिंग टाइम कितना है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको एक लाइव रिव्यू करके दिखाऊं इसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का। रिलेटिवली जो आपने अभी तक सुना होगा उससे काफ़ी कम टाइम एक्चुअली इसको लगेगा चार्जिंग में, जो कि मैं आपको इस वीडियो में आगे दिखाऊंगा। तो ये वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा, उसके बाद बैटरी ड्रेनिंग टेस्ट भी हम करेंगे ताकि एक ओवरऑल आइडिया मैं आपको दे पाऊँ कि कितना अच्छा इसका बैटरी साइकिल है। तो दोस्तों, मेरा नाम है रजत गोयल, आप देख रहे हैं टेक आरजे। जल्दी से हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो मैं कंपैरिजन की बात कर रहा हूं, हम इस फोन में Redmi Note 8 Pro को यूज करने वाले हैं, क्योंकि वो फोन मेरे पास था उसमें आपको 4500 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलती है, जो कि हालांकि 500 mAh कम है एज कंपेयर टू 5000 mAh जो कि मोटो में आपको देखने के लिए मिलती है, लेकिन चार्जिंग जो है वो एग्जैक्टली सेम है और बैटरी का भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और चार्जिंग अभी अगर आप देखेंगे तो दोनों फ़ोन्स पर 20% है। टाइम जो है वो 4:08 हो चुके हैं जब हमने टेस्ट शुरू किया है और लगभग आधे घंटे बाद हम देखेंगे कि कौन सा फ़ोन कितना चार्ज हुआ है। मैं आपको बता दूं कि दोनों ही फ़ोन्स के साथ आपको 18 वोल्ट्स की चार्जिंग देखने के लिए मिलती है और दोनों फ़ोन्स को मैंने उनके जो बॉक्स में चार्जेस आते हैं उनके साथ ही चार्जिंग पे लगाया है, तो दोनों फ़ोन्स अभी 18 वोल्ट से चार्ज हो रहे हैं। तो दोस्तों, लगभग आधा घंटा हो चुका है, 32 मिनट्स के करीब हो चुके हैं। देखते हैं दोनों फोन्स कितना चार्ज हुए हैं। मोटो का फोन जो है वो 53% हो चुका है। Redmi Note 8 Pro शायद, जी नहीं, मुझे तो लगा था कि शायद Redmi Note 8 Pro थोड़ा ज़्यादा चार्ज हो जाएगा क्योंकि 500 mAh कम है बैटरी, लेकिन अगर आप यहाँ पर रिजल्ट देखेंगे गाइज, लगभग 32 मिनट में फ़ोन जो है वो दोनों फ़ोन्स 33% के करीब चार्ज हुए हैं। मतलब लगभग 1 मिनट में 1% दोनों ही फ़ोन चार्ज हो रहे हैं और दोनों फ़ोन्स एग्जैक्टली सेम स्पीड से चार्ज हो रहे हैं। तो दोस्तों, अभी तक जो तो सुना होगा आपने कि लगभग 2.5 घंटे इस फोन को चार्जिंग पे लगते हैं, वो मुझे यहां पर बिल्कुल गलत लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखें लगभग 1 मिनट में फोन 1% से ज्यादा चार्ज हो रहा है। इस हिसाब से 2 घंटे से कम में डेफिनेटली फोन जो है वो फुल चार्ज हो जाएगा। तो अगेन, मेरे हिसाब से काफी अच्छी चार्जिंग स्पीड है यार, अगर आप 18 वोल्ट्स को कंसिडर करते हैं। और इवन हीटिंग की मैं बात करूं, क्योंकि मोटो में प्लास्टिक की बॉडी है, हीटिंग मुझे अभी तक फील नहीं हुई। अभी भी अगर बात करें, लगभग आधा घंटा हमने फोन को चार्ज किया, बिल्कुल भी फोन हीट नहीं हुआ है। नॉर्मल डे टू डे यूसेज में पबजी खेलने के बाद भी ये फोन हीट नहीं होता है। तो अभी जो फोन्स जो हैं दोनों ही 56% चार्ज हो चुके हैं। चलते हैं बैटरी ड्रेन टेस्ट पर। टाइम आप देख सकते हैं लगभग 4:47 हो चुके हैं और अगेन ऑलमोस्ट आधे घंटे के लिए हम यूट्यूब पर वीडियोस प्ले करेंगे। बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं जो भी एप्लीकेशंस थी मैंने क्लियर कर दी हैं और दोनों फोन्स की ऑडियोस मैंने म्यूट कर दी हैं, मतलब ऑडियो जो है दोनों फोन्स का जीरो है। हालांकि बैटरी ड्रेन टेस्ट करने के लिए हम मोटो पर पबजी भी खेल के देखेंगे इस टेस्ट के बाद। और ब्राइटनेस अगर आप देखेंगे दोस्तों, दोनों ही फोन्स पर मैंने मैक्सिमम कर दी है ताकि डिफरेंस ना रहे आप में, आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। तो यहाँ पर दोस्तों लगभग आधा घंटा हो चुका है। शुरुआत मैंने अपनी वीडियो से की थी, लेकिन उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ सॉन्ग्स वगैरह चला दिए थे। और बैटरी ड्रॉप की बात करें तो मोटो फोन में यहाँ पर 3% का ड्रॉप हुआ है एज कम्पेयर टू Redmi Note 8 Pro जिसमें 6% का ड्रॉप हो चुका है। तो डेफिनेटली बैटरी बैकअप जो है वो मोटो वन फ्यूजन प्लस का बहुत ही तगड़ा है। अब एक रीजन उसका स्टोक एंड्रॉइड है, स्टिल अगर आप देखेंगे आधे घंटे में सिर्फ 3% का ड्रॉप काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। जल्दी से पबजी भी खेल के देख लेते हैं। पबजी दो तरीके से आप खेल सकते हैं बेसिकली, या तो आप बिना GFX टूल्स के खेलें जिसमें आप सिर्फ 40 FPS खेल पाएंगे, या फिर आप GFX टूल के साथ भी खेल सकते हैं जिसमें आप 60 FPS तक खेल पाएंगे। अभी हमने GFX टूल्स यूज़ नहीं किया है। स्मूथ और अल्ट्रा में हम खेलने की शुरुआत करेंगे और एक गेम हम एरिना ट्रेनिंग का खेलेंगे। बैटरी परसेंटेज अभी दोबारा अगर मैं आपको दिखा दूँ तो 5:18 हो चुके हैं और बैटरी परसेंटेज यहाँ पर 52% है। तो मैं आपको दोबारा मिलता हूँ इस गेम के बाद।
तो ये गेम जो है वो पूरी होती है दोस्तों, अभी अगर आप टाइम देखेंगे तो 5:26 हो चुके हैं और बैटरी ड्रेन जो है वो 8 मिनट में सिर्फ 2% का हुआ है। इस हिसाब से अगर आप थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करें तो लगभग 7 घंटे या 6.5 घंटे लगातार आप पबजी इस फोन पर खेल सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि पबजी मैं बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा इस फोन पर खेल चुका हूं, एक्चुअली में भी अगर आप लगातार इस फोन पर पबजी खेलेंगे तो लगभग 6.5 घंटे के करीब तक आप इस पर खेल सकते हैं। चलिए, अब GFX टूल्स मैंने ऑन कर दिया है, अब 60 FPS पर हम गेमिंग करेंगे। और बैटरी परसेंटेज अभी अगर आप देखेंगे तो 50% है 5:27 में जब मैंने ये गेम शुरू की है। में मेरे कैमरा का जो कार्ड है वो फुल हो गया था, तो मुझे दोबारा से इसको रिप्लेस करना पड़ा। और अभी गेम जो है वो पूरी हो चुकी है, सिर्फ 6 मिनट लगे मुझे इस मैच को खेलने के लिए। और अभी अगर आप बैटरी देखेंगे, सिर्फ 1% का ड्रॉप मिला है, तो और भी अच्छा बैटरी बैकअप यहाँ पर आपको इस गेम के दौरान देखने के लिए मिला है। हालांकि ओवरऑल अगर आप होलिस्टिक व्यू लेना चाहते हैं तो मैं आपको यही बोलूँगा कि लगभग 6.5 से 7 घंटे तक आप लगातार इस फोन पर पबजी खेल सकते हैं। और अगेन, हीटिंग का कोई भी इश्यूज में नहीं है। तो आपने देख लिया होगा दोस्तों कि इस फोन में बैटरी बैकअप बहुत ही बढ़िया है, चार्जिंग की स्पीड भी लगभग आप इस फोन को 2 घंटे से कम में चार्ज कर सकते हैं। तो अभी के इस वीडियो में यही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को जितना भी आप कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।